वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है। क्रिकेट फील्ड की जो भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं, खेल जगत की जो भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो भाई आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं ओपन करना है, सिर्फ आप इस वीडियो को देख लीजिए। छोटा सा वीडियो रहेगा ये, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगी। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि ये जो सेगमेंट है हमारा, इसमें मैंने टॉप 5 न्यूज़ लिए और एक एक करके आपको सारी बताना शुरू करूँगा। और जो बड़ी बड़ी कुछ खबरें आई हुई हैं, जैसे कि टीम को एक बड़ा झटका लगा है, एक प्लेयर इंजरी के चलते एशिया कप से बाहर हो चुका है, तो उससे जुड़ी भी एक खबर है। साथ साथ टीम इंडिया ने जिस तरीके से इस सीरीज़ को जीता है जिम्बाब्वे के खिलाफ, कुछ कुछ खबरें जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर के साथ बात करें, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच की ODI सीरीज़ थी, भारत ने इस सीरीज़ को क्लीन स्वीप किया है और एक्सपेक्टेड था ये, और उसी तरीके से भारत ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन भी किया है। हालांकि आखिरी मैच यानी कि जो कल जो मुकाबला हुआ, तीसरा जो मैच रहा, उसमें जिम्बाब्वे ने भारत को एक अच्छा फाइट दिया, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया ने 12 रन से इस मैच को अपने नाम कर लिया और इस पूरी सीरीज़ के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हैं शुभमन गिल, और प्लेयर ऑफ द मैच भी शुभमन गिल बने तीसरे ODI में। ज़बरदस्त उनकी तरफ से बल्लेबाजी देखने के लिए मिली, 97 गेंदों पर 130 रनों की उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली, और शुरुआत उनकी धीमी हुई थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने लय हासिल करी और फिर तेज़ी के साथ रन बनाना शुरू कर दिए। अब इस सीरीज़ के बाद में संजू सैमसन से ब्रॉडकास्टर्स ने बात की, तो संजू सैमसन से जो सवाल हुए उसके जवाब में संजू सैमसन ने कहा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है ये, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सभी दोस्त जो हैं, उनके सभी साथी जो हैं, वो खेलेंगे और उनका खेलना और ये अनसर्टेनिटी वाली चीज़ एक रहती है, क्योंकि संजू सैमसन का आपको पता है कि इन एंड आउट उनका होता रहता है, फॉर्म उनका कैसा भी रहे, लेकिन जब प्लेयर्स जो हमारे एकदम स्टार प्लेयर्स हैं आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, जब वो वापस आते हैं तो फिर संजू सैमसन को बाहर चले जाना पड़ता है। तो इस वजह से संजू सैमसन का यहाँ पर दर्द छलका है और उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ होता है एक आप क्रिकेटर के तौर पर सारी चीज़ों का आप एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, और वही ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से संजू सैमसन ने अपना बयान दिया है। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो फिर श्रीलंकन टीम को एक बड़ा झटका लगा है एशिया कप से ठीक पहले। दरअसल दुष्यंत चमीरा ये बाहर हो चुके हैं, उनके फास्ट बॉलर हैं, और जो इंजरी हुई है इनको, लैग इंजरी हुई है, इसके चलते इनको बाहर होना पड़ा है, और एशिया कप से ठीक पहले एक ये बड़ा झटका है। लेकिन रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है श्रीलंका ने यहाँ पर, और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें रहती है, और नोवन तुषारा उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। तो देखने वाली चीज़ रहेगी कि आगे किस तरीके से चीज़ें यहाँ से जाती हैं, क्योंकि श्रीलंका के लिए एक ही बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। इसके बाद टीम इंडिया की बात करें, तो आज टीम इंडिया को बेंगलुरु से यहाँ से रवानगी होनी है उनकी, और UAE के लिए ट्रैवल करेंगे। 3 दिन का कैंप था, 20 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कैंप था टीम इंडिया का, और अब इसके बाद में एशिया कप के लिए टीम इंडिया पहुँचेगी। श्रीलंका की बात करते हैं, तो ग्रुप बी में श्रीलंकन टीम है। पहला मुकाबला 27 तारीख को अफगानिस्तान के साथ में उसका, उसके बाद फिर बांग्लादेश के साथ में इनका अगला मुकाबला है जो कि 1 सितंबर को है। वहीं टीम इंडिया की बात करें, तो 28 तारीख को पावर पैक परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि सामने होगा पाकिस्तान। तो किस तरीके से सारी चीज़ें जाएंगी ये देखेंगे हम सब। अब एक खबर नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से, जल्दी से उसको भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप चल रही है और उसमें भारत का आगाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। सिर्फ एक हार, साई प्रणीत को हार मिली है, बाकी हमारे जो तीनों स्टार खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और HS प्रणॉय, तीनों को अपने पहले पहले राउंड में जीत मिली है। तो एक ही अच्छी शुरुआत के साथ में भारत ने यहाँ पर अपना सफ़र शुरू किया है। तो फिर अभी खबरें इतनी ही हैं, बाकी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और आएंगी, हर रोज़ की तरह सेगमेंट आता है तो आपके लिए फिर से मैं लेकर के आऊँगा जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें रहेंगी। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और एक लाइक तो छोटा सा प्लीज़ बनता ही है। तो अब मैं आपसे मिलूँगा कल कुछ और बड़ी बड़ी खबरों के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।